$1,000, can you give me discount? Three. Okay, good. ये मेरा छठा दिन है 30 डेज ट्रैवल चैलेंज का, दिल्ली से कन्याकुमारी वो भी सिर्फ 1 रुपये में, और मैं हूँ उदयपुर में। उदयपुर में मेरा तीसरा दिन है और सुबह 6 बजे उठाऊँ भाई, ये देखो सब शांति लग रही है, कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखो इतने बढ़िया सोफे लगा रखे हैं। एक बात है भाई, ये डॉर्मेट्री बहुत बढ़िया है, क्या नाम है इसका, सिटी लाइट्स बाय मुसाफिर, बहुत बढ़िया डॉर्मेट्री है। मतलब तुम आओ ना, मैं तुम्हें बोलूँगा इसी में आके रुकना। और बाकी यार सुबह सुबह इसलिए उठ गया क्योंकि वीडियो एडिट करनी है और ना आज बिल्कुल पैसे ख़त्म हो चुके हैं, पर उसका मैंने एक जुगाड़ ढूंढा है। तो मेरे साथ वाले बेड पे एक फॉरनर आके रुका है, तो उसको ना 1 रुपये वाली स्कीम बेचनी है। मतलब मैं कल उसको बता चुका हूँ अपनी स्कीम, पर आज उसे ना एक स्कीम बेचनी है जो शायद से वो मना ना कर पाए। तो भाई देखो, मैंने एक जुगाड़ कर लिया है, अभी देखो तुम्हें दिखाता हूँ। हाय, डू यू वांट टू सी उदयपुर? ऑफ कोर्स, बट आई कांट, आई डोंट नो हाउ टू राइड मोटरसाइकिल एंड आई डोंट हैव अ लाइसेंस। यू डोंट हैव अ लाइसेंस? या, हाउ कैन आई गेट देयर, इट्स टू फार। I can be your driver, I can be your guide, if you pay me well. That's good, of course, why not? I'll charge you 1,000 rupees. 1,000 rupees? Can you give me discount? No. Let's say 750. Okay, deal. Deal? No problem, yes. So we should rent a scooty. Yeah, let's go. पैसे ऐसे जुगाड़ करते हैं भाई, दोस्त बनाओ और दोस्तों को ऐसे फंसाओ। मतलब मैं फंसा नहीं रहा हूँ, मतलब उनकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। तो आई टोल्ड माई ऑडियंस दैट वी हैव समथिंग इन कॉमन, यू डोंट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, आई डोंट हैव मनी टू ट्रैवल, सो वी कैन हेल्प ईच अदर। या, एग्जैक्टली, सो आई विल बी योर गाइड टुडे। यस, आई नीड, सारी जगह घुमा दूंगा इनको, अब देखना, क्योंकि पैसे मिलेंगे ना कुछ भी करूंगा। एंड यू विल हैव टू पे फॉर माई जर्नी एज वेल। सब चीज़ें हो रही हैं मन मुताबिक। चलो फिर एक स्कूटी रेंट कर लेते हैं फिर। और तो कुछ नहीं है, मतलब आपने तो एक्सेप्ट किया, लोग तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, मेंटल हेल्थ जैसी कुछ चीज़ है। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देखना, इसको सब्सक्राइब करके, सारी वीडियोस मेरी जर्नी में कैसे कवर कर रहा हूँ, और ये सब 1 रुपये में कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई, अपनी ये स्कूटी मिल गई है, 250 रुपये का रेंट है, भैया की शॉप से ली हमने। चंडीगढ़ कितनी दूर है ऐसे? सिर्फ 3-4 ही है। अच्छा, तो पहले सज्जनगढ़ ही जाएंगे। चलो यार, हम सज्जनगढ़ आए थे, मतलब सज्जनगढ़ तो पहुंच गया, जो इनका फोर्ट है वो यहाँ से थोड़ी सी ऊपर ही है, और उसका यार टिकट बहुत महंगा, मतलब इंडियन के लिए 155 और स्कूटी का अलग से किराया, और फिर फॉरेनर के लिए 505, और जिस हिसाब की फोटो उस हिसाब से यार वर्थ तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी पॉइंट पे बना हुआ है, तो वो तो बाहुबली हिल से भी पॉइंट दिख जाता बढ़िया। तो हम सोच रहे हैं इसको अवॉइड करें, और वैसे भी यार मैं ना जिसका ड्राइवर बना हुआ, मैं इसकी नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा नहीं इसके पैसे ज़्यादा खर्च करवाऊँ, तो इसके पैसों पे ऐश नहीं कर सकता मैं, तो इसको कहीं और ले चलते हैं, बड़ी लेक। मैंने भी देखी बड़ी लेक चलते हैं भाई। ये देखो, ये सज्जनगढ़ का फोर्ट, और लोकेशन तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बिल्कुल क्लिफ के एंड पे है यार। देखो कितने सुनसान रोड है यार। मजदूरी करने के लिए अपने सर को यहाँ पे ले आया था बड़ी लेक पे, तो बड़ी लेक पे घुमाने के बाद इनको थोड़ा आगे ले जाऊँगा, मतलब अभी एक दिन के लिए सर है, क्योंकि ये आज मेरे को नौकरी के पैसे देने वाले हैं, और ये नौकरी करके मैं पैसे कमाऊँगा। तो हाउ आर यू गोना पे मी, हाउ आर यू गोना पे मी, हाउ, हाउ कैन आई, हाउ आर यू गोना, आई एम योर ड्राइवर। ओके, लेट्स ईट समथिंग। मतलब बड़ी लेक कहते हैं इसे, और सच्ची में बड़ी है यार। और एक आदमी कह रहा था कि ये मैनमेड लेक है, बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी, मैनमेड यार कैसे हो सकती है। बाकी हम आगे की तरफ जाने वाले हैं, अभी वहाँ भी देखेंगे, क्योंकि ऑर्डर आ गया कि बहुत देर रुक ली यहाँ पे, अब आगे की ओर चल ले, चलते हैं फिर, ड्राइवरी का काम कर रहे हैं। तो बाहुबली हिल्स की पार्किंग में पहुँच गए, और भाई सही बताओ ना, ऊपर से जो व्यू आने वाला है ना, स्कूटियाँ खड़ी कर दिया, वो व्यू ना तुम याद रखोगे। अच्छा सर यहाँ पे है, चलो सर, मैंने कल टिकट ली थी पर आज नहीं लूँगा, देखो। पर शाम को आए थे ना तो बढ़िया लग रहा था, मतलब, और अब जा रहे हैं तो अब धूप है, मतलब 3:30 के करीब हो रहे हैं, तो अभी तो छाया में है, पर ऊपर जाके ना बहुत धूप मिलने वाली है, मुझे ही पता है, पर क्या करें यार, काम है तो मजबूरी है। अब एक दिन का ठेका ले लिया है तो दिखाना तो पड़ेगा ही ना, पैसे भी तो चाहिए ना। तो ये है भाई, मतलब लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे यार, उदयपुर में पहाड़ों से जो व्यू आता है ना, वो हिमाचल प्रदेश जैसा व्यू है, पर वहाँ पर लेक नहीं है ऐसी यार। ये देखो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया जा रहा है, मतलब उपयोग किया जा रहा है, और अगर तुम्हें भी ऐसा करना है तो 50 रुपये में देख लो भाई, ये घूमेगा तुम्हारे लिए, ओनली 50 रुपीज़।
एक तो यार ये फैन ना मेरा पीछा नहीं छोड़ देते यार, ये परेशान कर देते हैं मुझे। खींचो यार जितने खींच सकते फोटो खींचो। ओके गुड। तो यार सर को धूप लगने लग गई थी तो हम नीचे उतर रहे सनसेट से पहले। तो भाई अब स्कूटी चालू करते हैं और यहाँ से निकलते हैं और इस व्यू को ना एक बार आखिरी बार देख ले, अब पता नहीं उदयपुर आना कब हो। तो भाई एक दिन के लिए जो नौकरी कर रहा हूँ ना उसमें मेरे को ना हर जगह रुकना पड़ता है जहाँ जहाँ ये बोलता है, जैसे कि मैं यहाँ रुक गया हूँ। और क्या बढ़िया लग रहा है यार, मतलब देख रहे हो क्या ये झरना है, पता नहीं क्या कहाँ से जा रहा है, किसी के खेतों में पानी जा रहा है यार। नौकरी का एक फ़ायदा होता है कि ना मैं भी तो वो चीज़ मतलब देख सकता हूँ ना, जो इसको बोल देता हूँ कि ये बढ़िया चीज़ है, रुक जा वो रुक रहा हो ना रुक रहा मैं रुक जाता हूँ। पर यहाँ तो इसने रुकवा दिया भाई मुझे। अब इससे गन्ने का जूस पिलाने के लिए बोलता हूँ, पिला तो देगा ही भाई, मालिक जूस पिला रहा। पेड़ देखने के लिए रुक गए हैं, बहुत पुराना पेड़ लग रहा है देखो, और बहुत बड़ा पेड़ है। मेरे भाई को पेड़ देखना था तो पेड़ देखने के लिए भी रुक गए हैं, मतलब जो जो चीज़ें देखेगा उसके लिए रुकना पड़ेगा। बाकी पार्क है ये तो है बढ़िया चीज़ यार, इतना पुराना पेड़ लग रहा है ना और इतने लंबे बाल लग रहे हैं भाई, मतलब जिसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है ना वो पहचान जाएगा ये पेड़ कौन सा है। बाकी चलो सही सही जगह पर रुकवा रहा है, ऐसा भी नहीं है, मतलब लेबरी हो रही है, ऐसी तगड़ी लेबरी भी नहीं हो रही। तो भाई अब लेक के पास रुक गए हैं, स्कूटी वहाँ खड़ी कर दी है। और ना शाम को ना लेक बहुत सुंदर हो जाती है, और पता नहीं आज तो कोई भीड़ भी नहीं है, ये देखो पूरा खाली है। और वो देखो वो है सन ऑब्जर्वेटरी, वो खुलती है ऊपर से छत, ये मेरे को कल उसने हुसैन ने बताया था। तो भाई मजदूरी करने का फ़ायदा पता है क्या है कि तुम लेबरी करोगे दूसरे शहर में तो तुम्हें ना फ्री में घूमने को मिल जाएगा, तो ये मेरा फ्री में घूमने वाला दिन है। और मतलब जहाँ मैं मन करता हूँ ना वहाँ बोल देता हूँ दिस इज़ अ गुड प्लेस, दिस इज़ अ गुड प्लेस, तो बोलता है इज इट, तो फिर इसलिए फिर मतलब मैं भी वो देख लेता हूँ, फिर मुझे ही पता चल जाता है कि है गुड प्लेस या नहीं है। पर भाई देखो मैं अपना काम बहुत सीरियसनेस के साथ कर रहा हूँ, मतलब किसी को दिखाना है ऐसे लूटना का काम नहीं है, पूरा ड्राइवरी का काम है, बहुत तगड़ा काम है, उसको ड्राइविंग नहीं आती इसलिए मैं कर रहा हूँ। रोप पे चल रही है भाई, वैष्णो देवी वाली फीलिंग है, बोल दूँ रोप वे में चढ़वाने के लिए इससे, बोल दूँ कि दिस इज़ अ गुड प्लेस, तो इसको मैं वहाँ ले जाके दो की टिकट दिलवाई देगा। नहीं यार लूटा नहीं चाहिए किसी को भी, लेबरी करो पर ढंग से करो, मतलब ड्राइवरी करो, जॉब कर रहे हो ये टेक इट एज अ जॉब, मतलब लूटने का काम नहीं है। अब खाना पिलाना घुमाना वो सब तो चाहिए चाहिए यार। चलो भाई साइट सीइंग हो गई, स्कूटी स्टार्ट करते हैं क्योंकि मालिक को आगे जाना है। हम जा रहे थे और सर को एकदम से वाइन शॉप दिखी है और सर ने बोला है कि मुझे बियर खरीदनी है, सर ने बोला है तो रुकनी पड़ेगी भाई, वो खरीद रहे हैं तो उनको रुकना पड़ेगा, तो वो खरीद ले फिर चलेंगे यहाँ से। खरीद लो भाई, मोटी दिहाड़ी लूंगा भाई, मोटी दिहाड़ी, शाही पनीर और ये सब कुछ ऑर्डर कर दिया, 160 वाली थाली खिला रहे हैं भाई, तो अपनी मजदूरी पूरी हो रही है। थैंक यू। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे हमने कल मेरे भाई ने वो खिलाया था तो मैं आज वहीं ले आया, मतलब जहाँ मैंने कल डोसा खाया था तो मैंने इनको बता दिया कि यहीं से मेरे को खिला दो तो बढ़िया रहेगा, 160 में आ रहा है, इतना तो खर्च करा ही सकता हूँ। इतनी थाली आ गई और आज भरपेट खाना खाऊंगा किसी और के पैसे से। हाउ इज इट? भैया एक दो चम्मच दे देना। तो भाई मालिक मेरी पेमेंट कर रहे हैं खाने की, 320 350। टू थाली एंड वन लस्सी, लस्सी लस्सी 30 रुपीज़ लस्सी, 160 थाली। तो भाई खाना हो गया, मजदूरी से देखो खाना खा लिया, बहुत अच्छा है, इतने दिनों बाद 6 दिनों में मतलब मैंने पहली बार इतना अच्छा खाना है, तो काम करो यार, काम करके पैसे कमाओ और खाओ खाना अच्छा। चलो अब निकल रहे हैं हॉस्टल की तरफ। भाई देखो रात को क्या बढ़िया व्यू रखा है, जब लाइटिंग वाइटिंग चलती है ना क्या माहौल बन जाता है, मतलब तुम्हारा रात को ना ये वाराणसी जैसा लगता है, यहाँ बैठने का तुम्हारा जरूर मन करेगा। हाँ
How did you find India? How did I find India? Oh, nowadays it's very popular. But not in, for me, it's different. But 2 or 3 months ago, famous influencer came to India, especially Varanasi. That's why a lot of young people want to come. Oh. Yeah, last November or October. So you're loving it here? Yeah, yes. As time goes by, I'm used to it. But that's why I cannot say Lutheran part, because I just have been 2 places, New Delhi and Jaipur. Oh, totally different. So I'm just curious how are they, Jaipur and Agra and Varanasi. I'm just curious. They will be totally different from here. Yeah, that's why. You will find many diversities in India. Yes. ये देखो एक और शादी मिल गई भाई। अगर मैंने थाली ना खाई होती ना तो मैं आज भी वेडिंग क्रैश कर देता और इस कोरियन भाई को भी करवा देता, पर पेट ना ऊपर तक भरा हुआ है, इतनी बड़ी थाली थी वो। भाई इस हॉस्टल को भी बाय कर देते हैं। अब हमारी रात की बस है अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद निकलते हैं। बाकी भैया हॉस्टल बढ़िया था, एक नंबर। ओके बाय। तो भाई मालिक बाहर तक छोड़ने आ रहे हैं। चलो भैया बाय, फिर आऊँगा उदयपुर तो यहीं रुकूँगा। यहीं मिलोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी दूर है जगदीश टेम्पल, तो वहाँ पे रैपिडो वाला आएगा जो मुझे उदयपुर बस स्टैंड तक लेके जाएगा। तो यहाँ से मेन जो बस स्टैंड है वो उदयपुर बस स्टैंड है, वहाँ से तुम्हें कहीं की भी बस मिल सकती है। तो अगर तुम्हें भी कहीं जाना हो या आना हो तो उदयपुर बस स्टैंड पे उतरना और उदयपुर बस स्टैंड पे ही पहुँचना है, वहीं से तुम्हें सारी बस मिलती है। अब देखो भाई 11 बजे भी क्या रौनक है यहाँ पे, मतलब तुम्हें ऐसे लगे ना कि 11 बजे अंधेरा हो गया, पर बढ़िया रौनक हो रखी है। एक बार ना यार भैया को फ़ोन कर देता हूँ मैं, रैपिडो वाले मंदिर के आगे हाथ जोड़ के अब अहमदाबाद की ओर निकल रहे हैं। ओके बाय, आई विल सी यू आफ्टर सम टाइम। Be careful. Yeah. Be careful. Bye. Take care. तो भाई मेरे कोरियन फ्रेंड की मेहरबानी से मैं अब बस पकड़ के अहमदाबाद जा पा रहा हूँ, रैपिडो पकड़ के स्टेशन तक जा पा रहा हूँ। तो देखो ये है उदयपुर बस स्टैंड, उदयपुर नहीं उदयपुर बस स्टैंड। यहाँ से तुम मतलब सारी जगह की बस पकड़ सकते हो, अहमदाबाद की, दिल्ली की, मुंबई की, सब की। भाई 12:45 की बस थी और मुझे ना यहाँ पे ना 12:15 हो गए, आधा घंटा हो गया बस नहीं आई है। और अभी भी मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया, बोलता भैया अभी 15 मिनट लग जाएंगे। तो यार ये तो अच्छा है कि उदयपुर थोड़ा सा मतलब रात को सही है, नहीं तो किसी ऐसे शहर में फंस जाऊँ ना तो फिर दिक्कत है। पर मैं यहाँ पे बैठे बैठे थक रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बैग जो है ना उसको कहीं रखने की सही जगह नहीं मिल रही है, तो कंधे में टांगना ही पड़ रहा है। तो ये बैग मुझे बहुत परेशान कर रहा है। 30 किलो का वजन। बस वाले का फ़ोन आ गया है, तो वो यहाँ से 100-150 मीटर दूर खड़ा है, तो उसके पास चलते हैं। पता नहीं कहाँ खड़ा है यार, पेट्रोल पंप मुझे तो नहीं मिल रहा यार। सॉरी, ये तो रहा पेट्रोल पंप, आगे खड़ा है फिर इसका मतलब। चलो यार सामान रखवाते हैं, बैग ना बहुत भारी हो रखा है। ये बताओ बैग आ जाएगा बड़ा वाला अंदर? बड़ा पीछे जो टांग रखा है वो बोलते रहो, मैं डिक्की में डाल दो यार, सोने में दिक्कत आएगी नहीं तो। आ जाओ बोल रहे हैं ताकि मेरा बड़ा वाला बैग यहाँ आ जाए, क्योंकि वहाँ सोने में दिक्कत हो जाएगी अगर ये बड़ा वाला बैग लेके ना वहीं पे। बस भरी पड़ी है जब मैं चढ़ाऊँ तो, और इन्होंने मेरी सीट किसी को भेज दी है। मेरी सीट पे कोई 2 जने पहले से सो रहे हैं, मतलब शेयरिंग वाली सीट थी उसमें 2 पहले से सो रहे हैं। तो अब पता नहीं क्या हो गया यार, मतलब कैसे भेज सकते हैं किसी को, वो देखो बाहर बात करने गया है। और यार ये मतलब कैसे हो सकता है कि मेरी सीट पे कोई और सो रहा है, मतलब यार पैसे देने के बाद मैं ऐसा नहीं चाहता कि पैसे देने के बाद भी ऐसा हो। पैसे ना दिए होते तो मैं मतलब कर लेता जुगाड़, पर पैसे दिए हैं मैंने। उतर रहे हैं कोई? चलो मैं हूँ अभी अहमदाबाद गुजरात में, और अहमदाबाद मतलब दिल्ली में ना अक्टूबर में जो मौसम होता है ना उसकी याद दिला रहा है, जो सुबह और शाम होता है, ठंडी हवा चलती है, अच्छा मौसम होता है, तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं एक जगह की तलाश में हूँ जहाँ मैं बैठ सकूँ, अपनी वीडियोज़ एडिट कर सकूँ
क्योंकि यार मैं ना अभी सिर्फ 2-3 घंटे के लिए कोई रूम नहीं लेना चाहता क्योंकि पैसा वेस्ट है, क्योंकि मुझे दिन में वैसे भी घूमने निकलना है। तो 2-3 घंटे बाहर बैठ के आराम से वीडियो एडिट करेंगे, थोड़ा सा शहर बैठ के देख लेंगे, फिर निकलेंगे। तो यार मैं उदयपुर में था, मैं जयपुर में था, 1 रुपये में ट्रैवल कैसा लग रहा है? डिफ़िकल्ट पर आसान बन सकता है अगर तुम चाहो तो। बाकी जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो, और जो पुराने हैं वो लाइक कर दो, नहीं लाइक तो सभी कर दो और कमेंट भी सभी कर दो, और बाकी इन्जॉय करो।